छोटे पर्दे पर एक समय का मशहूर शो शाकाला का बुम बुम, करिश्मा का करिश्मा और भी कई धारावाहिकों में काम करने वाली लड़की हंसिका मोटवानी की प्राइवेट तस्वीरें इन दिनों हैकर्स के हाथ लग गई हैं और इंटरनेट के इस जमाने में उनकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रही हैं और ये सब खुद उनके अपने प्राइवेट इंस्टाग्राम के अकाउंट से वायरल हुई है। जो तस्वीर वायरल हो रही है उनमें ज्यादातर न्यूयॉर्क में छुट्टी मनाने गई हंसिका मोटवानी की कुछ स्विम सूट और मिरर सेल्फी है जिसे फिलहाल इंस्टाग्राम से हटा लिया गया है। लेकिन तस्वीरों को हटाने से पहले हंसिका मोटवानी इंटरनेट की इस बेरहम दुनिया में खूब वायरल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद हंसिका ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी और कहा कि उनका फोन और ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, इसलिए किसी भी मैसेज का जवाब न दें। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी टीम इस मुद्दे पर काम कर रही है। रिपोर्ट होने के बाद वायरल हो रही उनकी बिकिनी वाली तस्वीरों को इंस्टाग्राम से हटा लिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी एक्ट्रेस को साइबर क्राइम का शिकार होना पड़ा है। इससे पहले एमी जैक्सन और अक्षरा हासन के मोबाइल फोन भी हैक कर लिए गए थे और उनकी प्राइवेट तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई थी। अक्षरा ने हैकर्स के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। आपको बता दें हंसिका 9 अगस्त 1991 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में पैदा हुई और करियर की शुरुआत शाकालाका बुम बुम के बच्चों के टीवी सीरियल से की और फिर कोई मिल गया की सुपरहिट फिल्म में बतौर एक चाइल्ड एक्ट्रेस का किरदार निभाया। यही नहीं, उन्होंने तमिल में आई कई फिल्मों में भी खूब सुर्खियां बटोरी जिसके चलते वो काफी मशहूर हो गई और इतनी मशहूर हुई कि तमिलनाडु में उनके फैंस ने आज से 5 साल पहले ही उनके नाम पर मंदिर ही बनवा डाला। हंसिका ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित कई महिलाओं की मदद करती हैं और क्राइम तक का मानना है कि किसी के भी प्राइवेट पिक्चर्स को निजी ही रहने देना चाहिए जब तक उसकी खुद की इजाजत उस पर ना हो। आप सबको क्राइम तक इतना ही कहना चाहेगा कि आप इन जैसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से बचें। 10 बार सोचें, 100 बार पहले सोचें अपना फोन देने से पहले। अगर किसी को भी आपका फोन का पासवर्ड चाहिए हो तो आपके दिमाग की घंटी भी जरूर बजनी चाहिए। फिलहाल आप यूं ही क्राइम तक देखते रहें क्योंकि समाज में जहां कहीं भी अन्याय होगा वहां क्राइम तक की नजर जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।